नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ईपीएफओ की तरफ से बहुत बड़ी खुशखबरी आ गई है। जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमण जी ने अनाउंसमेंट किया है, वो बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। दोस्तों, प्राइवेट कर्मचारी सभी के लिए अनाउंसमेंट किया गया है, जिससे दोस्तों ये कोरोना के चलते जो 21 दिन का लॉकडाउन चल रहा है, यानी कि और वह 16 अप्रैल तक चलने वाला है, इसी के चलते इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए सीतारमण जी ने बहुत बड़ी अनाउंसमेंट की है, जो दोस्तों ईपीएफओ की तरफ से किया गया है। वो दोस्तों क्या है, मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन बटन जरूर दबा दीजिएगा। तो दोस्तों, जब तक कि आप लोगों को पता है कि जो लॉकडाउन चल रहा है तो वो 21 दिनों तक चलने वाला है, यानी 16 अप्रैल तक, तो इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए और प्राइवेट कर्मचारियों के लिए भी ये खुशखबरी दी गई है। वो दोस्तों क्या है कि जो ईपीएफओ का 3 महीने का पेमेंट, यानी कि उनका शेयर जो भी हमारे प्राइवेट कर्मचारियों का और गवर्नमेंट कर्मचारियों का जो भी 12% पीएफ कटता है, यानी कि 12% कर्मचारी का और 12% एम्प्लॉयर का, यानी कि टोटल मिला के 24% का जो शेयर कटता है, वो 3 महीने का ईपीएफओ देगा, यानी कि गवर्नमेंट देगी। उसमें दोस्तों क्या है कि यह मेरे हिसाब से, मेरे अनुमान से यह मार्च अप्रैल और मई के लिए ये किया गया है। जो भी ये 24% का शेयर कटेगा, यह कर्मचारी का 12% और एम्प्लॉयर का 12%, ये 24% मिला के जो भी शेयर बनेगा वो दोस्तों गवर्नमेंट देगी, और ये कर्मचारी के और एम्प्लॉयर के जेब से नहीं जाएगा। लेकिन दोस्तों, इसमें कुछ कंडीशन है जो कि बहुत ही, ये सबके लिए नहीं है, ये उन्हीं कंपनियों के लिए है, ये उन्हीं कंपनियों के लिए है जिनके कंपनी में 100 कर्मचारी से कम है, 100 कर्मचारी से कम है, और उन 100 कर्मचारियों में 90% कर्मचारियों की जो सैलरी है वो 15,000 से कम है, उन्हीं को यह लाभ मिलेगा, बाकी को नहीं मिलेगा। दोस्तों, मैं आपको ये क्लियर बता दे रहा हूँ, जिनकी सैलरी 15,000 से कम है और जिस कंपनी में 100 कर्मचारी से कम है, उन्हीं को ये इसका फायदा मिलेगा। यानी सपोर्टेड मान लीजिए, अगर किसी की सैलरी किसी कंपनी में किसी 90% एम्प्लॉय की सैलरी, यानी कि अगर 30 कर्मचारी की भी मैं बात कर रहा हूँ, 30 कर्मचारी की भी सैलरी अगर 20,000 रुपये है, 18,000 रुपये है, तो उनको यह फ़ायदा नहीं मिलेगा, ओनली ये 15,000 से कम सैलरी वालों को ही मिलेगा। और दोस्तों, यहाँ पे जिन कंपनी में 100 कर्मचारी से भी कम है उन्हीं को इसका फ़ायदा मिलेगा, अन्यथा इन सबको फ़ायदा नहीं मिलेगा। और दोस्तों, गवर्नमेंट ने, फाइनेंस मिनिस्टर ने यह भी कहा है कि मार्च अप्रैल मई जब तक ये कोरोना चल रहा है, इसके वजह से जो भी सैलरी को कंपनी ना रोके, कर्मचारियों को सैलरी बराबर देती रहे, इनकी सैलरी ना रोकी जाए। इसमें दोस्तों 4.8 करोड़ कर्मचारियों को इसका फायदा मिलेगा, इस नए नियम के अनुसार जो गवर्नमेंट ने, जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर जी हैं सीतारमण जी ने जो भी ये नियम में बहुत बड़ा बदलाव किया है, इसमें 4.8 करोड़ कर्मचारियों को इसका फायदा मिलेगा, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। हमारी गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया है दोस्तों, वो बहुत ही तारीफ करने वाली बात है। और हम लोगों को, जो हम प्राइवेट कर्मचारी हैं जो काम कर रहे हैं, उनको यह बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। और दोस्तों, यहाँ पर सीतारमण जी ने एक अनाउंसमेंट और भी किया है कि अगर आप एडवांस पैसा निकाल रहे हैं तो उसमें भी एक नियम बनाया गया है कि अगर आपके अकाउंट में, ईपीएफओ के अकाउंट में 1 लाख रुपए हैं, या फिर मतलब मैं आपको सिंपल सी बात बताऊं, जितना भी आपके अकाउंट में पैसा जमा है उसका आप अगर निकालना चाहें तो 75% आप पैसा निकाल सकते हैं। अगर आपको किसी कारणवश आपको पैसा निकालना पड़ रहा है तो आप जब भी एडवांस में पैसा निकालते हैं दोस्तों, जो पहले का नियम था और अब जो कोरोना के चलते जो ये नियम में बहुत बड़ा बदलाव किया गया है कि आप इसमें 75% का शेयर अपना पैसा निकाल सकते हैं,
मान लीजिए कि आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए जमा है, तो आप उसका 75,000 रुपये निकाल सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और दोस्तों आप 75,000 रुपये निकाल सकते हैं। दोस्तों जितना भी आपके अकाउंट में पैसा है आप उसको जाके देख सकते हैं। दोस्तों अगर आपको देखना नहीं आता है तो दोस्तों कमेंट करके बताइए, मैं आपको अपना PF बैलेंस चेक करना भी बता दूंगा। तो दोस्तों आप उसका 75% निकाल सकते हैं। और मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि ये दोस्तों जो नया नियम लगाया गया है कोरोना वायरस के चलते, जो लॉकडाउन चल रहा है, इसमें दोस्तों जिस कंपनी में, ये हर कंपनी के लिए कंपनी इसमें एलिजिबल नहीं है, जिस कंपनी में 100 कर्मचारी से कम है और जिनकी जिनके कंपनी में 90% कर्मचारियों की सैलरी जो है वो 15,000 रुपये से कम है, यह फायदा ओनली उन्हीं को मिलेगा और ये सबको नहीं मिलेगा। ठीक है दोस्तों, हमारी गवर्नमेंट जितना भी नए नए नियम लगा रही है वो दोस्तों हम लोगों के हित में ही है, हम लोगों के लिए बहुत गवर्नमेंट कर रही है। दोस्तों ये EPFO की तरफ से बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो दोस्तों मैं सोचा कि आपको ये बता दूं, तो दोस्तों इसीलिए मैंने आपको बता दिया। और दोस्तों जब भी ये वीडियो बन रहा है, यानी कि 26 तारीख की सुबह, यानी कि जो भी वर्किंग टाइम होता है सरकारी, वो दोस्तों 26 तारीख में ही ये अनाउंसमेंट किया गया है। तो दोस्तों अगर आपको ये जानकारी, अगर आपको ये नए बदलाव अच्छे लगे हों, तो दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको ये गवर्नमेंट का बड़ा बदलाव कैसा लगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जानकारी मिल गई होगी। दोस्तों अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो, अगर गवर्नमेंट का ये जानकारी अच्छी लगी हो, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबा दीजिएगा।